हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था नन फिनिट के अंतर्गत पार्टिसिपल में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का ही अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल। किसके बारे में दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच डिफरेंस अंतर भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी पार्टिसिपल के अंतर्गत दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम उसमें क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहुँचते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है मैंने कल बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर से समझ लीजिए। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का दोस्तों जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं दोस्तों, तो इसके हिंदी अनुवाद के अंत में भी कर या करके, कर या करके ही आता है। क्या आता है दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद करने पर भी दोस्तों इसके अंत में कर या करके आता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी तीसरी बात देखिए दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग तभी होता है जब एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहे हों, लेकिन जो कार्य पहले हो रहा होता है उसी कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी करते हैं, और जो कार्य पहले हो रहा होता है उसी कार्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए जो कार्य पहले हो रहा होता है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कार्य पहले हो रहा होता है उस कार्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल का कार्य तब करते हैं जब दो कार्य हो रहे हों और पहले कार्य में ही परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर चार देखिए दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब दो कार्य हो रहे हैं और पहले कार्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल दोस्तों उस वाक्य में करते हैं जो कार्य पहले पूरा हो चुका होता है, जो कार्य पहले पूरा हो चुका होता है। दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही कार्य में दो कार्य साथ साथ हो रहे हों, लेकिन उन दोनों कार्यों के बीच में एक समय अंतराल हो। समय अंतराल मतलब एक कार्य होने के बाद जो दूसरा कार्य हो रहा हो, दूसरे कार्य और पहले कार्य के दौरान कुछ समय का गैपिंग होनी चाहिए, कुछ समय का अंतराल हो। जैसे दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों जैसे मैं हिंदी में आपको सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे पत्र लिखकर मैंने इसे पोस्ट किया, पत्र लिखकर मैंने इसे पोस्ट कर दिया। दोस्तों, अब आप बताइए
पत्र को लिखते ही पोस्ट तो कर देंगे नहीं आप, ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। हो सकता है आप पत्र को अपने घर में लिखें, हो सकता है आप पोस्ट ऑफिस में ही अपने पत्र को लिखें, लेकिन दोस्तों पत्र को लिखने के बाद उसको आप क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से पेस्ट करते हैं, फिर जाके क्या करते हैं मोहर लगाते हैं, फिर उसको है ना पोस्ट बॉक्स में डालते हैं दोस्तों। तो इस दूसरे कार्य के दौरान मतलब पोस्ट बॉक्स में डालने के, अपने पत्र को पोस्ट बॉक्स में डालने और लिखने के दौरान आपके बीच में, इस दोनों कार्यों के बीच में कुछ समय अंतराल रहा दोस्तों, रहा होता है ऐसा। हम लोग जब भी पत्र डालते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके तो इतना तो समय अंतराल लग ही जाता है दोस्तों। तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर दो कार्य साथ साथ हो रहे हों लेकिन दूसरे कार्य और पहले कार्य के बीच समय अंतराल हो दोस्तों उन वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट है समय अंतराल। दोनों कार्यों के मध्य समय अंतराल होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों कार्यों के बीच क्या होता है दोस्तों, समय अंतराल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए एक सेंटेंस बोल रहा हूं, राइटिंग अ लेटर आई पोस्टेड इट। देखिए दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा है राइटिंग अ लेटर आई पोस्टेड इट, पत्र लिखकर मैंने इसे पोस्ट कर दिया। अब दोस्तों आप लोग इस सेंटेंस को देखकर बताइए क्या हमारा ये सेंटेंस सही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इसे देखा होगा तो देखते ही आपके माइंड में आया होगा कि बात हो रही है पत्र लिखने की और पोस्ट करने की। दोस्तों इन दोनों ही कार्यों के बीच में समय अंतराल होगा, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच समय अंतराल है तो पहला वाक्य आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा, ना कि हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बन सकता। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर बनाना है तो कैसे बनेगा दोस्तों, दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग। हैविंग फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है दोस्तों, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। हैविंग रिटर्न अ लेटर आई पोस्टेड इट, समझ गए दोस्तों। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों और दोनों कार्यों के मध्य एक समय अंतराल हो। ठीक है दोस्तों, समझ आया। फिर से एक एग्जांपल के रूप में एग्जांपल देख लेते हैं, इसको साफ कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा है, टेकिंग फूड आई वेंट टू माई ऑफिस, खाना खाकर मैं कहाँ गया, खाना खाकर मैं ऑफिस गया। तो दोस्तों आप लोगों को पता है खाना खाते ही आप ऑफिस निकल जाएंगे क्या, सॉरी आप खाना खाते ही तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, हो सकता है जूते पहने, बाइक निकालें, ये भी हो सकता है अपना बैग उठाएं, लैपटॉप डालें। कहने का मतलब है खाना खाने और ऑफिस के लिए निकलने के बीच कुछ समय अंतराल आपके पास होगा, खाना खाते ही आप नहीं निकलेंगे कि जो ही हमने खाना खाया और तुरंत निकल लिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब खाना खाने के बाद और ऑफिस जाने से पहले आपके बीच इस दौरान कोई समय रहा है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है
जब दो कार्यों के बीच एक समय अंतराल हो तो क्या करते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग ना करके परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया जाता है वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा दोस्तों? ये सेंटेंस बनेगा हैविंग एक्टेड फॉर आई वेंट टू माय ऑफिस। समझ गए दोस्तों? उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच डिफरेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं, अर्थात एक कार्य के तुरंत बाद, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी यहां से लिखता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों दोनों कार्य साथ साथ हो। दोस्तों जब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हों, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हों, तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है दोस्तों? एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो। ठीक है दोस्तों, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, मतलब एक कार्य जैसे ही समाप्त हो वैसे ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। देखें, कपड़े उतार कर मैं नदी में कूदा। दोस्तों अब आप लोग बताइए, अगर आपने नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं, अगर आप नदी में नहाना चाहते हैं और आप कपड़े उतारे हैं, तो क्या करेंगे? कपड़े उतार कर तुरंत ही तो हम लोग क्या करते हैं, नदी में कूदते हैं। ऐसा तो है नहीं कपड़े उतारने के बाद हम घर गए फिर वापस आके नहाए, नहीं ना। अगर हम तालाब में या नदी में नहाने के लिए गए हैं तो कपड़े उतारने के तुरंत बाद क्या करते हैं, नदी में कूदते हैं ना दोस्तों, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। तीसरा दोस्तों, जब एक कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, दोस्तों जब पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, जब पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, कैसे? दोस्तों कभी कभी हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं, चप्पल उतारते हैं। चप्पल उतारना जरूरी था क्या? नहीं ना, नहीं जरूरी था। लेकिन अगर हम चप्पल नहीं उतारते तो मंदिर में नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी हिंदू दर्शन में मान्यता है कि मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां आप जूते चप्पल पहनकर एंट्री नहीं ले सकते, एंट्री बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा जो चप्पल उतारने का कार्यक्रम है वो किस लिए हुआ है, मंदिर जाने के लिए ना। इसलिए दोस्तों यहां पर पहला कार्य जो है वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा। जैसे एक सेंटेंस में बोल दूं, जूते उतार कर मैं मंदिर में गया, तो दोस्तों
यहाँ जो आपका जूते उतारने का कार्य है क्यों है? क्योंकि आपको मंदिर में जाना है। जब पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए तो पहले कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो तीस और चौथा क्या है दोस्तों? दोस्तों चौथा है हमारा, जब एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए, जब एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए और दूसरे कार्य का पता कर्ता को चले ही ना। नहीं समझ आया? चलिए मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। दोस्तों कभी कभी होता क्या है, हम पुस्तक पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते में क्या हो जाती है, नींद आ जाती है ना दोस्तों। तो क्या नींद आना, जब हम सो गए तो क्या ये सोने की जो क्रिया थी ये मुझे पहले से मालूम था क्या कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ये अचानक से आ गई। ये तो हमको तब मालूम चला जब हम सुबह उठे, अरे हम तो पढ़ रहे थे और सो गए, पता ही नहीं चला किस समय हम सो गए, ठीक है ना दोस्तों? तो कहने का मतलब है जब एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए तो दूसरे कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों? कैसे देखिए दोस्तों, इसका आपको हम एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर वो सेंटेंस बनता कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। देखिए दोस्तों, हमारा कार्य क्या था, हमारा जो कार्य था पढ़ने का, मैं तो पढ़ रहा था लेकिन हुआ क्या, मैं सो गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो कार्य था वो पढ़ने का था लेकिन मैं सो गया। और सोने की जो क्रिया है ये हमें कब मालूम चली, ये हमें तब मालूम चली जब मैं सुबह उठा, है ना दोस्तों? मतलब जब मैं जगा तब मुझे मालूम चला कि मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता। तो दोस्तों जो कार्य करते हुए मैं दूसरा कार्य किया, जिस कार्य को करते हुए मैंने दूसरा कार्य अचानक से किया जिसका मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है ना दोस्तों? तो जिस कार्य को मैं पहले कर रहा था उस कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में व्यक्त करेंगे। और दोस्तों उस कार्य से पहले किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है सेंटेंस? ठीक है दोस्तों, सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले सेंटेंस बनेगा मैं सो गया, आई स्लेप्ट। फिर क्या दोस्तों, फिर व्हाइल का प्रयोग करना है, व्हाइल क्या कर रहे थे आप, रीडिंग, ठीक है दोस्तों? तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई सिलेक्ट व्हाइल रीडिंग, ठीक है दोस्तों? जैसे दोस्तों मैं बोलते बोलते गिर गया। अब दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो कैसे बनेगा, आई फेल डाउन व्हाइल स्पीकिंग। समझ आया दोस्तों? कहने का मतलब है दोस्तों जब एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए और कर्ता को इस बात का पता भी ना चले कि दूसरा कार्य कैसे हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है? जैसे दोस्तों दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दौड़ते दौड़ते मैं गिर गया। दोस्तों जब आप दौड़ रहे होते हैं तो क्या आपके माइंड में ये बात होती है कि मैं गिरूंगा? नहीं ना, अचानक से। लेकिन क्या होता है, हम लोग कभी कभी गिर भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या बनेगा, आई फेल डाउन व्हाइल रनिंग। समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों जस्ट अपोजिट देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए दोस्तों आपको पता है परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग तभी करते हैं जब एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, क्या है, सॉरी, जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य तब प्रारंभ होता है और दूसरा कार्य
तब प्रारंभ होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, जब एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट पार्टिसिपल आई विल प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है दोस्तों। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद जब हम करते हैं दोस्तों तो इसके अंत में भी कर या करके जुड़ा होता है दोस्तों। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एक कार्य जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए taking bath I went to school। दोस्तों सेंटेंस मैंने लिखा है taking bath I went to school, नहाकर मैं कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए क्या नहाने के तुरंत बाद आप स्कूल के लिए निकल लेते हैं, ऐसा नहीं करते ना। नहाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कुछ ब्रेकफास्ट में लेते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर अपना बैग उठाते हैं, फिर हो सकता है हमारे पड़ोस का जाने वाला हमारा एक मित्र है हमारे साथ जाता है, उससे के घर जाते हैं, चलो टाइम हो गया हम निकलने वाले हैं आप भी चलो, ठीक है ना, लेते हैं। तो कहने का मतलब है पूरी तरीके से हम नहा चुके होते हैं, कपड़े वपड़े पहन चुके होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कूल के निकलते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि नहाकर तुरंत, नहीं ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे बनेगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा, कैसे, हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ आई विंट टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों प्रॉब्लम दोस्तों इसी तरह से आती है, जहाँ पर हैविंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ होना होता है दोस्तों वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा होता है वहाँ पर हैविंग टेकिंग का हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल में जो एक सेंटेंस आता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल में दोस्तों बस एक प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या आती है दोस्तों। एक सेंटेंस है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो माय ऑफिस। दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो माय ऑफिस, बारिश के कारण मैं कहाँ नहीं जा सका दोस्तों, मैं ऑफिस नहीं जा सका, बारिश के कारण मैं ऑफिस नहीं जा सका। दोस्तों कल मैंने लिखवाया था कुछ वर्ड थे, कौन कौन से वर्ड थे, रेनी डे, गाला डे, डॉग डे, समर डे, हॉलीडे एक्सेट्रा, ठीक है ना दोस्तों, फाइन डे। दोस्तों ये कुछ डे हैं, यदि वाक्य में इनका प्रयोग हुआ हो, ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था इस तरह के वाक्यों के प्रारंभ में किसका प्रयोग कर दिया जाता है, केवल और केवल इट का प्रयोग कर दिया जाता है, किसका, इट का। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस हमारा तो गलत है दोस्तों, इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सही सेंटेंस बनेगा इट बीइंग अ एनी डे I could not go my office। दोस्तों इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा it being a rainy day I could not go my office, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।